मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर बसे विदिशा की एक बेटी ने अपने शहर का नाम देश में भी रोशन किया है। विदिशा की रहने वाली सना अली अपनी आर्थिक अड़चनों को दूर करते हुए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शुरू की साइंटिस्ट बन चुकी है। आइए हम इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि सना अली कौन है, साथ ही हम इस रिपोर्ट में सरकार के उस फैसले का भी जिक्र करेंगे जो शायद आने वाली सना जैसे होनहार विद्यार्थियों की उड़ान पर रोक लगा सकती है। विदिशा के निकासा मोहल्ले में रहने वाली सना अली अब इसरो में सेवाएं देकर देश की सेवा करेंगी। सना के पिता पेशे से ड्राइवर हैं और पॉलिटेक्निक कॉलेज में ड्राइवरी करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि पढ़ाई पूरी करवाई जा सके। ऊपर से लड़की होने के कारण समाज के ताने भी सना को अपने सपने पूरा करने से रोक रहे थे। फिर भी सना के माता पिता ने अपनी पूरी शिद्दत के साथ बेटी को पढ़ाया। पिता ने लोन लेकर बेटी को पढ़ाया और दिन रात मेहनत कर लोन चुकाया। एक समय ऐसा भी आया जब सना की मां ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपने गहने गिरवी रख दिए। लेकिन सना और उनके माता पिता की इन सभी कोशिशों का फल अब उन्हें मिल गया है। सना ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर उनकी शादी ग्वालियर के रहने वाले अकरम से की गई। अकरम भी पेशे से इंजीनियर हैं। ससुराल वालों ने भी सना को पढ़ने में मदद की। सना ने इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स के लिए एमटेक चुना। एमटेक करने के बाद अब सना का चयन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में हो चुका है। लेकिन बीते दिनों सरकार द्वारा पहली से आठवीं तक दी जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद करने का फैसला लिया गया। इसके बाद मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप भी बंद कर दी गई। सरकार द्वारा लिए गए इन फैसलों से शायद सना जैसे होनार विद्यार्थियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी जिनके लिए ये छात्रवृत्ति शिक्षा में आने वाली आर्थिक अड़चनों को दूर करती थी। सिलेक्शन इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर में टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पे हुआ है और मैं एक मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं सब लड़कियों को स्पेशली ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी आपको पढ़ाई ज़रूर करो और बहुत अच्छी पढ़ाई करो और जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो वहाँ तक जाने के लिए जितनी मेहनत लगे उतनी मेहनत करो, चाहे कितनी ही बार फेलियर आपके हाथ लगे, लेकिन अगर उस चीज़ पे कॉन्स्टेंटली करते रहोगे तो फिर ज़रूर एक दिन कामयाब।